हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज यहाँ पर दीवा माता का पूजन चल रहा है तकरीबन 7-8 दिन से। तो आज 7वां दिन है और कल है 8वां दिन। तो आज 7वां दिन यहाँ पे हम 7वें दिन में जा रहे हैं, तो कल वहाँ पे भंडारा होगा और कल वापस आ जाएंगे। रात को हम वहीं रुकने वाले हैं और वहाँ पर क्या क्या होने वाला है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। ये देखो, ये रही दीवा माता की चोटी जो ऊपर दिख रही है। तो हम अब यहीं जाने वाले हैं। पीपल की छाओ माँ ऐज मेरी दुर्गा माँ, पीपल की छाओ माँ ऐज मेरी दुर्गा माँ। श्रीनगर में जैक तिल धारी रूप धारो, श्रीनगर में जैक तिल धारी रूप धारो, धारी रूप धारो तिल सारो जग तारो, धारी रूप धारो तिले सारो जग तारो। की डंडोली माँ चढ़की दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता की। हम पहुंच चुके हैं दीवा माता के नीचे वाले मंदिर में। ये छोटा मंदिर है, अब यहाँ से हम ऊंचाई पे यहाँ पे चढ़ाई करेंगे। ये छोटी दीवा माता का मंदिर है, सड़क में है। ये पहुंच गई सी सही गांव की टीम। अब ये यहाँ से ऊपर की चढ़ाई है दीवा माता के मंदिर के लिए। तो जोर से बोल लो जय माता की। चलते हैं आगे की ओर। चल पकड़ भीड़ बाहर चल। यहाँ बहुत भीड़ हो रखी है आज, बहुत भीड़। दूर दूर से लोग यहाँ दीवा के लिए पहुँच रखे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, गांव से, अलग अलग गांव से सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। आराम पकड़ तू ना, छोड़ना था रोहित बोलो मिलना। बच्चों ने भी अपना सारा योगदान दिया यहाँ पर बैग ले जाने में। और यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे बड़ा बैग हमारा ही है, पर लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें दो कंबल हैं क्योंकि हम रात को वहीं रुकेंगे, और थोड़ा पानी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे थक गए, तो तारीफ कुछ ज़्यादा ही हो गई रे इनकी। कान लगे तो सर में रखो और चलते बने। ये देखो यहाँ पर श्रद्धालु लोग थक चुके हैं, तो आराम आराम से बैठते हुए चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता की, जय माता की। हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं और अभी आधा और रह चुका है, और यहाँ पे भीड़ बहुत सारी है। भक्तजन आते जा रहे हैं, कोई जा रहा है ऊपर, कोई नीचे आ रहे हैं, बस चलता रह रहा है। जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता दी। मिल गए मेरे दोस्त पागल से, डफर से, स्कूल टाइम वाले, स्कूल गुड़पट्टी खाने वाले, पैसे मांग मांग कर हम मंदिर से आते थे। और नहीं, मंदिर से बोल चुरा के शिव जी के मंदिर से भोलेनाथ के। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहता है। यहाँ पे मतलब इसका, यहाँ पे पेड़ों की बहुत ज़्यादा छाया रहती है, तो बिल्कुल ठंडा सा रहता है। तो हम जब भी बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तो यहीं पर बैठते हैं। ये
ये देखो यहाँ आधे रास्ते में भी भंडारा का आयोजन कर रखा है किसी ने, तो यहाँ पे भी केले वगैरह मतलब काफ़ी कुछ मिल जा रहा है, शरबत बना रखा है तो शरबत भी मिल रहा है। अरे रुका हम भी आना था। ये होता है गांव का सुमया, जिससे हल्दी बांधे देते हैं गांव में दूल्हे को दुल्हन को। यहाँ पे बहुत सारा हो रखा है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आती है? हाँ आती है, आती है, श्योर श्योर है। ये हल्दी में सुबह ये हल्दी हाथ में सुबह माना जाता है। भक्तगण अलग अलग रास्ते से आते हुए तो यहाँ पे सारे भक्तजनों ने यहाँ पे भेंट चढ़ा रखी है और उन सभी के यहाँ पे नाम भी लिख रखे हैं कि किसने कितनी भेंट दी। ये लोग भेंट चढ़ाते हुए घर जा रहे हैं। श्रद्धालु लोग आप यहाँ के पेड़ देखोगे तो बहुत ही सुंदर है। देखो डिज़ाइन ही कुछ अलग सा है, बिल्कुल अलग अलग से, जैसे कोई इधर डांस कर रहा है कोई उधर डांस कर रहा है, कुछ बिल्कुल ही अलग से है। मौसम भी थोड़ा सा चेंज होने लग गया है, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। अभी तक थोड़ी गर्मी हो रही थी लेकिन धूप थी बहुत तेज़, अब धूप जाने लग गई तो यहाँ ठंडा भी शुरू हो गया। तो दोस्तों तो आज हम बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि पानी तो बिल्कुल है नहीं और हम जंगल में जा रहे हैं इतनी दूर, मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं चल लेते हैं, क्या करें, पानी पीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर करना ही पड़ेगा। देखो दिखाती हूँ मैं आपको सारा जंगल। यहाँ पर ना बुरास के पेड़ बहुत सारे हैं, वो अभी खिल नहीं रखे लेकिन बुरास के पेड़ हैं और बांझ के पेड़ हैं। बांझ की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब काफ़ी चीज़ में काम आ जाती है, तो इसीलिए यहाँ से लकड़ी ले जाती थी। कुछ तो जलाने के काम आती थी, कुछ मतलब बहुत से काम आ जाती थी। और कभी देखो कभी जंगल में जाओ या कहीं दूर जा रहे हो तो इतना तो होना चाहिए कि भाई खाने को कुछ होना हो, लेकिन पानी तो अपने साथ हमेशा पक्का लेकर चलो। लेकिन हम फिर भी पानी लेकर बहुत आए थे, वो हमने पहले ही पी लिया, जैसे कि खाना खाया तो उसके बाद प्यास बहुत लगी तो सब ने पानी पिया, बच्चों ने पिया तो फिर इस वजह से सारा पानी खा। यहाँ पे जितना भी मतलब पानी जा रहा है तो वो घोड़े से, जैसे घोड़े ले जा रहे हैं पानी वगैरह, और ये जैसे भी जाओ जो जितना भंडारा हो रहा है यहाँ पे सब ये घोड़ों से ही ले जाया जा रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी की थोड़ी सुविधा है नहीं क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई पर है दीवा माता का मंदिर, इस वजह से यहाँ पे पानी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग शक्ल तो देख ही रहे होंगे, शक्ल सुबह से बिल्कुल इतनी ऐसी हो चुकी है ना कि क्या बताऊँ, ऐसे मतलब कि बाल भी ऐसे हो रहे हैं कि ऐसे झिरझिरे से, जैसे कि अजीब से, और बिल्कुल रूखे रूखे से, और बिल्कुल चेहरे पे ऐसे मुरझाया सा हो गया जैसे कि कुछ खाया पिया ही ना हो हमने सुबह से। देखो यहाँ पे पेड़ों के बिल्कुल साइज़ एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल मस्त से।
बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ तो, मतलब जंगल में रहने का मन भी कर रहा है लेकिन डर भी बहुत लग रहा है यहाँ पे, लेकिन है बड़े अच्छे पेड़। अब तो सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हम तो रास्ता ही भूल गए कि मंगरू खत तक था कहाँ, जहाँ पे पानी आता था थोड़ा, वो पेड़ों का पानी आता था। अब तो मैं रास्ता भी भूल गई कि रास्ता है ही कहाँ, और सबसे मेन बात है कि हमें वहाँ ना बच्चों को लेकर जाना पड़ रहा है, तो इस बात का थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो मतलब इतनी दूर आकर अगर हमें पानी ना मिले तो रही क्या गया, मतलब कि ये तो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है कि फिर तो गुस्से वाली बात है कि गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा तो पानी मिला, वो भी इसमें जंगली जानवर पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पे और पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं मिलता मुझे। देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं मिलता पानी। काफ़ी आगे आ चुके हम, ये रहा जंगली जानवर का पानी सारा। बस इसमें थोड़ा सी जूंक होती है तो वो भी थोड़ा सा देख के पीना पड़ता है, लेकिन जो काली होती है ना। देखो दोस्तों यहाँ से हमने अच्छे से पानी बनाया, और ये यहाँ से हमने कुछ पत्ते लगाए, फिर हमने यहाँ पे एक पानी का पाइप लगाया, और ये यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी धार आ गई। अगर कोई अगली बार आएगा यहाँ तो उसके लिए पानी रेडी रहेगा। घने जंगल के बीच आखिरकार हमें पानी मिला यहाँ पर, और अब अंधेरा भी होने को ही है, क्योंकि जंगल में तो पहले ही अंधेरा लगता है चाहे रात होने भी ना हो भी ना रही हो, लेकिन अब तो यहाँ पे होने ही वाली है क्योंकि टाइम हो चुका है। हाँ तो ये रहे हमारे भाई साहब हाथ धोते हुए, मंगरू खत्ता का पानी आरो इसे हमने इतना अच्छा बना दिया ये कि यहाँ पे अब ये आरो को भी फील कर रहा है, हमने अच्छे से इसको फिल्टर कर रखा है। जो हमारे गांव का हमारे गांव में आमू का पनेरा है, शिमले का पनेरा है, और कौन कौन से पनेरा है, और बिजरोल का पानी है, वो सारे फेल हो चुके हैं इसके सामने। तो हमने इतना अच्छा पानी बना चुके हैं इसको, अब देखो सब मुंह हाथ धोने, भले इतनी दूर आए पर क्या करें, पानी इतना मेहनत का फल मीठा होता है, और पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा मस्त एकदम टनाटन।